नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। गुजरात में अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में सीएम आनंदीबेन, दो दिन में किए तीन बड़े ऐलान। राज्य में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 अगस्त से होगी लागू। विपश्यना पर जाने से पहले केजरीवाल ने दी विधायकों को सलाह, कहा पुलिस से किसी तरह उलझने का ना करे कोशिश। अनुपस्थिति में सिसोदिया करेंगे दिल्ली सरकार का नेतृत्व। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल सोनिया गांधी का रोड शो, पार्टी नेताओं ने सफल बनाने में झोंकी ताकत। प्रशांत किशोर तैयार कर रहे हैं रणनीति। सुब्रमण्यम स्वामी ने किया परिकर का बचाव, कहा अगर आमिर को देश से प्यार नहीं तो टीचर की जरूरत। परिकर ने असहिष्णुता पर की थी आमिर की खिंचाई। और दाऊद की भाभी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जाने के लिए मांगा पासपोर्ट, बेटी की पढ़ाई का दिया हवाला, केवल दुबई जाने की मिली है इजाजत। पाटीदार आंदोलन और दलित कांड की वजह से लगातार विरोधियों के निशाने पर रही गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने पिछले 2 दिनों में 3 बड़ी घोषणाएं करके राज्य के लोगों को खुश कर दिया है। आनंदीबेन ने शनिवार को अचानक ही वलसाड़ के एक सरकारी कार्यक्रम में घोषणा करी कि कारों और छोटे वाहनों पर पूरे गुजरात में 15 अगस्त से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। रविवार को आनंदीबेन ने पाटीदार आंदोलन के दौरान दर्ज हुए पथराव के 438 में से 391 केस वापस लेने का ऐलान कर दिया। अभी दिन खत्म भी नहीं हुआ था कि आनंदीबेन पटेल सरकार ने और बड़ी घोषणा कर नाराज चल रहे गुजरात के 4.65 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4.12 लाख पेंशन धारकों को खुश कर दिया। सीएम ने ऐलान किया कि राज्य में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश 1 अगस्त से लागू हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आरोप मुक्त किए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। यह याचिका पूर्व IAS और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दायर की थी। याचिका पर लगभग आधे घंटे तक सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति SA बोबड़े और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने इस मामले को खारिज कर दिया। मंदर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत निचली अदालत बीजेपी अध्यक्ष को आरोप मुक्त किए जाने का फैसला बरकरार रखा गया था। शाह को राहत देते हुए पीठ ने कहा, जब कोई व्यक्ति वाकई व्यथित हो तो मुद्दा एक अलग रंग लेता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का दूर दूर तक संपर्क ना हो और वह मामले को पूर्ण जीवित करना चाहता हो तो ये एक अलग मसला है। राज्यसभा में मंगलवार को GST विधेयक के पेश होने की संभावना है। बिल पर चर्चा के लिए बीजेपी ने व्हिप जारी कर अपने सभी सदस्यों को अगले 3 दिनों तक सदन में उपस्थिति रहने का निर्देश दिया है। बिल पर चर्चा के लिए बीजेपी ने व्हिप जारी कर अपने सभी सदस्यों को अगले 3 दिनों तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया कि बहुप्रतीक्षित GST विधेयक संसद में पारित हो जाएगा। सिंह ने कहा, हम GST के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाए हैं जिस पर कांग्रेस के समय से ही चर्चा हो रही है। मुझे भरोसा है कि हम संशोधन करेंगे और GST विधेयक पारित होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रस्तावित GST विधेयक सभी परोक्ष करों का स्थान लेगा। सरकार ने राज्यसभा में GST के लिए संविधान संशोधन को इस सप्ताह विचारार्थ सूचीबद्ध किया है। GST बिल को लेकर पिछले काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार और विपक्ष के बीच इसके प्रावधानों को लेकर लंबी जद्दोजहद चली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों को अलर्ट किया है कि उन्हें अब ज्यादा सावधान रहना होगा। पंजाब में होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित है, इसलिए विरोधी दल हमें बदनाम करने के लिए लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने विधायकों को ये भी सलाह दी कि वे पुलिस के साथ साथ किसी से भी उलझने का प्रयास न करें और अपने इलाकों में लोगों के काम करने में जुटे रहे। केजरीवाल सोमवार से 10 दिन के लिए विपश्यना के लिए हिमाचल जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने विधायकों को सलाह देने का ये कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने विधायकों से कहा कि हमें अब और सावधान रहना होगा, विरोधी लोग हमें उकसाएंगे, हमारे परिवारों पर दबाव डालेंगे और हमें फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें एकता दिखानी होगी। उन्होंने विधायकों को ये भी कहा कि उनकी अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार का नेतृत्व करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का वॉक द टॉक कार्यक्रम सफल बनाने के बाद प्रशांत किशोर ने अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रोड शो को सफल बनाने में अपनी ताकत झोंक दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 2 अगस्त को होने वाले रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशांत किशोर बनारस पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व सांसद जफर अली नकवी, पूर्वांचल चुनाव प्रभारी व पिंडरा से विधायक अजय राय, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा आदि के साथ बैठक की और पूरी जानकारी एकत्र की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी वाराणसी पहुंच गए हैं। सभी पदाधिकारी और नेता अब वाराणसी में ही रहकर रणनीति को अंतिम रूप देंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का समर्थन किया है। पर्रिकर ने असहिष्णुता पर बहस को लेकर बॉलीवुड स्टार आमिर खान की खिंचाई की थी। स्वामी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा, आमिर पर पर्रिकर के बयान पर इतना हो हल्ला क्यों? अगर आमिर जन्मभूमि से बेइंतहा मोहब्बत से अनजान है तो उन्हें एक टीचर की जरूरत है। स्वामी का बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी पार्टियों ने पर्रिकर के बयान के लिए उनकी आलोचना की है। एनसीपी के नेता माजिद मेमन ने कहा, मुद्दे को उठाने का कोई तुक ही नहीं बनता। आमिर खान को राष्ट्र विरोधी बताकर पर्रिकर ने गलत किया। आमिर ने भारत की नहीं बल्कि सरकार की आलोचना की थी जो कि देश में शासन करने में नाकाम रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की भाभी रिजवाना इकबाल हसन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि उन्हें विदेश घूमने के लिए भारत सरकार से पासपोर्ट चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया और यूके जाना चाहती है। याचिका में रिजवाना ने इन देशों में जाने की वजह भी बताई है। रिजवाना ने बताया कि उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है और बेटे का एडमिशन अभी यूके की यूनिवर्सिटी में हुआ है, लिहाजा वो वहाँ जाकर उनको सेटल डाउन करना चाहती है। फिलहाल भारत सरकार ने रिजवाना को भारत से दुबई और दुबई से भारत यात्रा करने का ही पासपोर्ट जारी किया हुआ है। वो किसी और देश में यात्रा नहीं कर सकती। ऐसा उसके दाऊद इब्राहिम से पारिवारिक रिश्तों के चलते किया गया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।